तो हमने एक एक्सपेरिमेंट से कल शुरू किया था जिसमें कि एक सेलो टेप को अगर हम दो पोलराइजर्स के बीच में रखते हैं और फिर उसका ओरिएंटेशन केवल बदलते हैं तो कलर्स बदल जाते हैं, तो उसको समझने के लिए सारी कवायद हम लोग कर रहे हैं। तो अंत में हमें वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं उसके अंदर में हमें वेव्स की ज़रूरत है, क्योंकि वेव्स पहले हम जानेंगे तभी उसके पोलराइजेशन और इसकी उसकी बात होगी। तो वेव्स की चर्चा हम लोगों ने कल की थी कि वेव्स हम किसको कहें, उसकी क्या वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमें समझ आया कि एक तो ये है कि अगर एक वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में चलती हुई वेव हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हमें जो एक वेव कोई चीज़ है जो कि बदल रही है समय के साथ और जगह के साथ, तो दो चीज़ों का फंक्शन है एक्स और टी, हम उसको वेव क्वांटिटी कहते हैं। तो हमने दो उदाहरण लिए थे, एक स्ट्रॉ टेप का उदाहरण लिया था, स्ट्रॉ टेप में हमने एक वेव चलाई थी, अर्थात एक जगह हमने कुछ घटना की थी और वैसी ही घटना आगे भी होने लगी, कुछ समय बाद होने लगी और धीरे धीरे वो चीज़ अभी यहाँ थी तो अभी वहाँ थी तो अभी वहाँ थी। तो उस प्रकार से हम लोगों ने वेव की स्पीड वगैरह डिफाइन की। और अगर वी वेलोसिटी से वेव चले तो हमने देखा कि उसका जो क्वांटिटी है, वेव क्वांटिटी, जो हमारे स्ट्रॉ टेप में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था थीटा है, तो वो जो चीज़ है वो कुछ खास वैल्यू और फिर कोई ना कोई फंक्शन है, ऐसे ही लिख देते हैं, ये कोई ना कोई फंक्शन है जो कि x माइनस वी टी इसका फंक्शन है, ये एक साथ आना चाहिए, x का फंक्शन है और t का फंक्शन है, लेकिन वो ऐसे फंक्शंस ही हम केवल ले सकते हैं जिसमें x माइनस वी टी एक साथ आए। वैसा नहीं लेकर के हम दूसरे फंक्शन जितने ट्राई किए थे वो फेल हो गए थे, क्योंकि वो v वेलोसिटी से चल नहीं रहा था। किया था ना साइन एक्स कॉस टी वगैरह कुछ कुछ ट्राई किया था हम लोगों ने पहले से, तो हमने देखा कि नहीं, वो उस इक्वेशन से अगर हम चलते हैं तो वो इक्वेशन ये नहीं बताता है कि जो अभी यहाँ जितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी समय के बाद वी टी डिस्टेंस आगे होगा, उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया, मैंने वेव नहीं चल रही है वी से। तो वेव को वी से चलाने के लिए, एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से चलाने के लिए जो भी आप फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे। फिर दूसरा उदाहरण हमने लिया था, तो एक हमने स्ट्रॉ टेप का उदाहरण लिया था और इसमें हमारा जो ये क्वांटिटी थी वो थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल, एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, यही था ना, जो हमारे वो स्टिक खड़े थे वो वर्टिकल थे, वर्टिकल से कितना एंगल गया वही उसी को हम देख रहे थे कि एक्स के फंक्शन के रूप में कहाँ कितना एंगल है, टाइम के फंक्शन के रूप में अभी इतना है अभी इतना है अभी इतना है अभी इतना है, तो वो वेव क्वांटिटी थी। और दूसरा हमने उदाहरण जो लिया था वो क्या लिया था, बताइए बताइए, स्लिंकी। हम इतनी सी सारी चीज़ें दिन भर कराते हैं कि सुबह का शाम तक भूल जाता है लेकिन शाम का भूला हुआ अगर सुबह वापस आ जाए घर तो भी ठीक है, तब भी उसको भूला नहीं किया तो हम वही काम कर रहे हैं जो शाम में आप शाम तक में भूल गए थे आपको वापस घर ला रहे हैं। इसमें क्या थी वेव क्वांटिटी, क्या बदल रहा था समय के साथ और क्या बदल रहा था स्थान के साथ, जो आपको ने वीडियो जो देखा था, कहीं पे जो रिंग्स थी वो ज्यादा पास-पास आ रही थी, नहीं वेव पल्स पोजीशन, नहीं वो नहीं देखा था आपने, वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें एक झटका सा दिया, हाँ हाँ, तो वो जो इसकी जो पोजीशन थी वहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, अभी कुछ नहीं था, जीरो थी डिस्प्लेसमेंट, नहीं थोड़ी देर के बाद ये झटका खाया तो डिस्प्लेसमेंट हुई, बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, फिर घटी फिर घटी फिर घटी फिर ज़ीरो हो गई, और यही घटना फिर यहाँ पर हुई थोड़ी देर बाद, वही तो बम्प जो था मेरा बम्प दिखता दिख रहा था चलता हुआ, जो स्लिंकी पर जो बम्प था झटका देने से जो ऐसा बना पहाड़ जैसा वो चलता हुआ दिख रहा था, हालांकि चल कुछ नहीं रहा था, एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं चल रहा था, जो चल रहा था सब वाई डायरेक्शन में ही चल रहा था, लेकिन वो मेरी वेव क्वांटिटी थी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग। तो हर एक वेव में एक ना कोई ना कोई वेव क्वांटिटी होती है जिसको हम यहाँ एफ लिख रहे हैं, स्ट्रॉ टेप में ये था, इसमें ये था, तो हर एक वेव में कुछ ना कुछ होता है, साउंड वेव है जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है
वो भी वेव के रूप में है। यहाँ की हवा का प्रेशर जो है मेरे बोलने के कारण से वो बदल रहा है, उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, और जो फ्लक्चुएशंस मेरे मुंह के पास की हवा में अभी हो रहे हैं वो एक सेकंड में 332 मीटर दूर होंगे, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि 332 मीटर दूर कोई खड़ा होगा तो मेरी बात नहीं सुन रहा होगा कि सुन रहा होगा। 332 मीटर दूर अगर कोई तो बीच में दीवारें वीवारें भी आ गई हैं, छत आ गई हैं, नहीं अगर वैसा नहीं होता तो शायद सुन भी लेता, लेकिन चलो पर सेकंड की बात नहीं करके हम पर मिली सेकंड की बात कर सकते हैं। तो फिर 33 सेंटीमीटर हो गया, 332 अगर हम मिली सेकंड में चले जाएं तो फिर 0.332 मीटर हो गया, तो 33 सेंटीमीटर तो ठीक है। तो एक मिली सेकंड में जो यहाँ अभी हो रहा है, एक मिली सेकंड में वही काम यहाँ से 33 सेंटीमीटर दूर हो रहा है, दो मिली सेकंड में वही काम वहाँ हो रहा है। तो उस तरह से वो वेव चल रही है। क्या क्या बदल रहा है? हमारी जो एयर है उसका प्रेशर बदल रहा है। हाँ, अभी हम एक ढंग से बोल रहे हैं, एक ढंग से मैंने अपने यहाँ के हवा को कंप्रेस करके एक्सपैंड करा के एक प्रेशर का वेरिएशन क्रिएट किया है, वही प्रेशर का वेरिएशन फिर यहाँ होने वाला है, वही प्रेशर का वेरिएशन वहाँ होने वाला है, और वही प्रेशर का वेरिएशन जब आपके कान के पास में होता है तब उस प्रेशर वेरिएशन को आप सेंस करते हो, तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है, राइट? तो अगर हम साउंड वेव की बात करेंगे तो हमारा जो वेव क्वांटिटी है एफ वो हो जाएगा प्रेशर ऑफ एयर। तो जो प्रेशर है एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और प्लस अब जो आ रहा है वो एक्स और टी का फंक्शन आ रहा है, और वो एक्स माइनस वी टी इसका फंक्शन आ रहा है, माने एक्सप्रेशन में एक्स माइनस वी टी एक साथ होना चाहिए तभी वो वी वेलोसिटी से आगे जाएगी कोई भी वेव। तो ऐसा अब ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन, तो हम लोगों ने कई सारे ट्राई किए, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को ट्राई किया है ना, तो वो बहुत स्पेशल है क्योंकि उसकी सहायता से हम बाकी सबको भी कर सकते हैं। लेकिन आप कल्पना करो इस साउंड की कल्पना करो, आप बहुत कम समय के लिए शायद मिली सेकंड के लिए हमने यहाँ कुछ यहाँ की हवा को परेशान किया और फिर वो इसी शांत हो गई, ये हवा आप शांत हो गई उतने मिली सेकंड के बाद, हर जगह की हवा वैसे ही उस एक मिली सेकंड या डेढ़ मिली सेकंड के लिए उद्वेलित हुई फिर शांत हो गई, तो वो हो गया ना स्लिंकी टाइप का। तो हमारा जो फंक्शन हो क्लैपिंग, ये जो साउंड वेव के लिए हमें फंक्शन चाहिए वो कैसा चाहिए, अगर हम एक्स में सोचें केवल, एक्स में अगर हम केवल सोचें टाइम फिक्स, ओके टी फिक्स, एक ही इंस्टेंट पे अलग अलग जगह का हम सोच रहे हैं, तो उस समय मान लो मेरा क्लैप जो है उसका डिस्टरबेंस यहां पर है, तो यहां पर भी तो शुरू होगा, बढ़ेगा, फिर शांत हो जाएगा, ऐसा चलेगा। लेकिन एक ही टाइम पे यहाँ यहाँ बगल बगल में देखें तो कोई अपने पीक पर पहुँच चुका है ना, उसके जो दूर वाला है वो अभी पहुँचने वाला है, उसके पहले वाला है वो अभी चल ही रहा है और पीक पर पहुँचेगा, कोई पहुँच के गुजर रहा है, तो आप उसकी उसका शक्ल अगर पाएंगे तो कैसा पाएंगे, आपको शक्ल इस टाइप का मिलने वाला है। ये वाला जो एक्स है, यहाँ वाली हवा अपने पीक पर अभी जस्ट पहुंची है इस टाइम पे, राइट? ठीक है, और यहाँ वाली जो हवा है यहाँ वाली वो पहुंच करके वापस आ रही है, यहाँ वाली जो हवा है वो अभी पीक पे पहुंची नहीं है, वो पहुंचने वाली है, थोड़ी देर बाद पहुंचेगी, ऐसे वेव चल रही है, अभी पीक यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगी, थोड़ी देर पहले ये पीक यहाँ थी तो ये पीक से गुजर करके यहाँ पहुंचा है, ये अभी पीक चढ़ रहा है, लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एक्स के फंक्शन के रूप में ऐसा आना चाहिए, राइट? ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी नहीं है,
ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी नहीं है। अगर टी फिक्स कर दें और एक्स को बदलने दें और इसको प्लॉट करें तो ऐसा प्लॉट नहीं आने वाला है, वो साइन फंक्शन तो ऐसा 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 आने वाला है। तो इसके लिए जो हमें लिखना होगा वो ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, कोई गेस करोगे? एक्सपोनेंशियल का ट्राई कर सकते हैं, राइट। ई टू द पावर बोलो नेहा, एक्स माइनस, हाँ ओके, ऐसा। हाँ जी, राइट। एक तो पहले, सबसे पहले कुछ के लगाओ यहाँ पे, वन पावर में डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर आप एक टाइम फिक्स कर देते हो, अब कोई टाइम फिक्स कर दिया आपने, तो ये जो है ई टू द पावर के वी टी वाला, वो तो कांस्टेंट होकर बाहर आ गया। अब ये बच गया ई टू द पावर माइनस के एक्स, इसकी शक्ल ऐसी होती है, ऐसी ऐसी होती है, लेकिन मुझे शक्ल ऐसी चाहिए। मोड ऑफ, हाँ ओके ओके, तो फिर ये ऐसी शक्ल बनेगी, ऐसी ऐसी, किसी आगे के टाइम पे जाओगे तो ये ऐसी शक्ल बनेगी, राइट। हाँ कर आ रही है, लगभग आ रही है, लेकिन थोड़ा और सुधार लो। ऐसा 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 तो नहीं बनता है ना, कस्प टाइप का तो नहीं बनता है ये, तो कुछ फ्लैट टाइप का ही बनेगा ना, ऐसा ऐसा ही टाइप का बनेगा। स्क्वायर कर दो बेस्ट है, स्क्वायर कर दो, डायमेंशन ठीक कर देते हैं। ये कर देंगे तो ये गॉशियन, ये गॉशियन कहलाता है, ये इसकी शक्ल ऐसी होती है, इसकी शक्ल ऐसी होती है, राइट। तो हर फंक्शन अलग अलग है। अब इसमें, इसमें हमने कहा था ऐसा अगर हो, अगर ऐसा हो तो आप x की जगह पे x प्लस टू पाई बाई के कर दीजिए। इसमें x की जगह पे x प्लस टू पाई बाई के कर दीजिए, तो ये एंगल कितने से बढ़ गया, टू पाई से बढ़ गया। x के जगह पे x प्लस टू पाई बाई के कर दिया, k से हमें गुणा करना है तो टू पाई से बढ़ गया, तो यानी चीज रिपीट हो गई है, साइकिल पूरा हो गया है। तो जब जब आप टू पाई बाई के आगे बढ़ोगे, यहां से यहां आगे बढ़े, यहां से यहां आगे बढ़े, टाइम फिक्स है, एक ही टाइम पे देख रहे हैं, यहां देखा फिर टू पाई बाई के आगे वाला पॉइंट, उसके टू पाई के आगे वाला पॉइंट, उसके टू पाई के आगे वाला पॉइंट, ये सब पर इसका मान बराबर है, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो उसका भी मान बराबर रहेगा, क्योंकि टू पाई से वो भी बढ़ेगा, तो जो ऊपर जा रहा था तो ये वो भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा था तो वो भी नीचे जा रहा है, सेम फेज में होंगे। वहाँ से हम कहते हैं ये पीरियोडिसिटी है, स्पेस में पीरियोडिसिटी है, इतनी इतनी दूर पर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो टू पाई बाई के है ये हमारा वेवलेंथ है ना। और अगर हमने एक्स फिक्स कर दिया, हम यहीं पर देख रहे हैं, समय गुजर रहा है और ये चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, एक्स फिक्स है, एक ही जगह पे हम देख रहे हैं। और टी की जगह पे अगर हम टी प्लस टू पाई बाई ओमेगा कर दें, टी की जगह पे टी प्लस टू पाई बाई ओमेगा कर दें, तो ये एंगल कितने से बदल गया, फिर टू पाई से, माइनस टू पाई, तो फिर से वही कहानी हो गई। तो एक पॉइंट को देखोगे तो हर टू पाई बाई ओमेगा समय के बाद उसी फेज में आ जाएगा, राइट। तो उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, जितनी देर के बाद फिर से मैक्सिमम से फिर से मैक्सिमम आ जाए, मिनिमम से फिर से मिनिमम आ जाए, अगर जीरो है मीन पोजीशन पे तो फिर से मीन पोजीशन पर आ जाए, और जीरो आकर के अगर वो बढ़ने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, तो फिर यहाँ भी पॉजिटिव होने वाला होना चाहिए, घटने वाला है तो वहाँ भी घटने वाला होना चाहिए, टू पाई का चेंज होने से ये सब बिल्कुल मैच करेगा। तो इसको हम लोग टाइम पीरियड, इसलिए जो टाइम पीरियड है ये जो है ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, और इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो इसका उल्टा है, तो ओमेगा बाई टू पाई है, राइट। लेकिन आप यहां आ जाओ तो न कोई वेवलेंथ है न कोई फ्रीक्वेंसी है,
न कोई वेवलेंथ है, न कोई फ्रीक्वेंसी है। ओके अगर मैं ताली बजा दी और ये साउंड वेव यहाँ से चलकर आप तक पहुँची है, तो उसका न कोई वेवलेंथ है, न कोई फ्रीक्वेंसी। आप बताओ क्या फ्रीक्वेंसी है, बोलो कितनी कितनी देर के बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ की हवा को देखो आप, कितनी देर के बाद यहाँ की हवा हर बार उतने ही फेस पे जा रही है, सेम फेस पे, कितनी देर के बाद, क्या पीरियडिसिटी है, और कितनी कितनी दूर के बाद की हवा एक ही तरह से वाइब्रेट कर रही है। तो न कोई वेवलेंथ है, न कोई फ्रीक्वेंसी है। ओके हाँ एग्जैक्टली हम बिल्कुल वही कहने ही वाले थे जो आपने कह दिया। लेकिन हमने कल ये भी बात कही थी कि कोई भी फंक्शन हो कैसी भी शक्ल का, तो उसको हम साइन फंक्शंस के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। मुझे क्या क्या स्वतंत्रता चाहिए, हम बहुत सारे टर्म्स लिखने वाले हैं। नंबर एक, जितने मर्जी आए उतने हमें लिखने की स्वतंत्रता चाहिए। हम कंटिन्यूसली एकदम इंटीग्रेट कर देंगे, इतने सारे होंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ेंगे नहीं, वो भी हमें स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद ये जो बंदा है, ये मेरे हर जिसको जिसको हम जोड़ने वाले हैं उनमें हर में इसका चूज करने का मेरे को अधिकार चाहिए, और हर का अलग अलग चूज करेंगे हम। ये जो यहाँ पर जो के और ये रिलेटेड है, ऑफ कोर्स साउंड की वेलोसिटी अगर फिक्स्ड है तो वी बराबर ओमेगा बाई के है, अगर कोई ओमेगा और कोई के है तो हम एक को ले लेंगे तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। तो या तो के को कहिए या तो ओमेगा को कहिए, हमें लेने का अधिकार होना चाहिए। ओके तब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस प्रकार की चीज। ओके ये हम अपनी मर्जी से चुनेंगे, ये हम अपनी मर्जी से चुनेंगे, ये चुन लेंगे तो ये अपने आप फिक्स हो जाएगा, राइट। ऐसा जैसा भी आप फंक्शन दोगे ना, उसके अनुसार हम ये सब चूज करके और इन सब को जोड़ जोड़ के ऐसा बना देंगे जो इधर सब में जीरो हो जाए और यहाँ पर ऐसी शक्ल दे दे, हम बना देंगे। उसी को फोरियर एनालिसिस, फोरियर थ्योरम, फोरियर एक्सपेंशन, ये सब नाम दिया जाता है। ओके और क्या क्या के हमने लिए हैं या क्या क्या ओमेगा हमने लिए हैं, और जिसका हमने ये एआई बड़ा लिया है, समझो कि उस ओमेगा को हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, और जिस ओमेगा के लिए हमने ये वाला एआई छोटा लिया है उसको हम कम वेटेज दे रहे हैं। ओके तो कौन कौन से ओमेगा हमने लिए हैं उसको अगर हम ऐसे दिखाते हैं, और किसको कितना वेटेज हम दे रहे हैं उसको हम इधर दिखा रहे हैं, तो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। ये वेव नहीं बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये वेव क्वांटिटी नहीं बना रहा हूं। ये कौन कौन से मैंने ओमेगा लिए हैं, तो हमने शायद 200 हर्ज के ओमेगा का एक बड़ा सा कंपोनेंट यहां लिया था, 250 का भी लिया था, 225 का भी लिया था, वो थोड़े कम लिए थे, 150 का थोड़ा कम लिया था, 50 का थोड़ा कम लिया था अपनी मिक्सिंग करने के लिए, वो प्लॉट दिखा रहे हूं। ओके इसमें जो सबसे ज्यादा वाला या उसके आसपास का है उसको हम बोलते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी इस साउंड की है नहीं, वो पूरे सभी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर में शामिल है। और हम क्यों कह रहे हैं कि उन सारे फ्रीक्वेंसीज के साइन वेव्स को सुपर इंपोज करने से मेरी पल्स बनेगी, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो पल्स बनी है इसका अपना कोई वेवलेंथ नहीं है या कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन इन इन फ्रीक्वेंसियों के संयोग से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि अच्छा। तो डेफिनेटली एक फ्रीक्वेंसी से तो काम चलने वाला नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी लोगे तो एक साइन वेव बनेगा, वो तो है ही नहीं, तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज तो लानी ही पड़ेंगी, और सबके लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड्स सोच सोच करके अब सोचने का भी तरीका है, जो फाइनल शेप मुझे लाना है वो अगर हमें पता है तो फिर उससे किसको क्या गुणा करो, कहाँ इंटेग्रेट करो, कहाँ करके उसका तरीका है,
आप हमें फाइनल शेप दे दो तो हम बता देंगे कौन से फ्रीक्वेंसी कितने वेट की होगी, लेकिन वो सब हमें ढूंढ करके लाना है ना। वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इट कैनॉट बी सिंगल फ्रीक्वेंसी, वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन फ्रीक्वेंसीज में जो सबसे प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको जनरली हम लोग कहते हैं। वो सीटी बजाई ट्रेन ने तो डॉपलर इफेक्ट के सवाल में बना देना, इतने इतने हर्ट्ज की या इतने किलो हर्ट्ज की, वो क्या है? वो मिक्सिंग है, वो उसकी प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो उस मिक्सिंग में वो उसकी प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो जो इस तरह का होता है ये, इसीलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि हर किसी को हम इसमें से निकाल सकते हैं। और कभी कभी हो सकता है कि आपने जो आपकी जो वेव है उसका शेप ऐसा नहीं हो करके सचमुच इसी तरह का हो, काफ़ी हद तक इसी तरीके का हो। मान लीजिए आपके वेव का जो शक्ल है वो ऐसा है, कोई भी आप प्रोड्यूस करोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो नहीं ही प्रोड्यूस करने वाले हो आप, लेकिन हाँ एक मेजर पोर्शन उसका जो है वो बिल्कुल साइन के तरह अगर बिहेव कर रहा है तो ठीक है, फिर हम उसको कहेंगे कि हाँ चलो भैया ये सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली या सिंगल वेवलेंथ वाली वेव है, चलेगा। ओके, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है लेकिन ठीक है चलेगा। तो ये सब कहानियाँ इसकी है। अब देखिए कि वेव में नहीं, उससे कोई रिश्ता नहीं है, उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो अभी देखिए, ये आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं लेकिन अभी मत करिए। मोबाइल पर वो इन्होंने ऐप डाउन करके और एक साउंड का निकाला है, उसमें फ्रीक्वेंसी आप फीड कर देते हो, उतने फ्रीक्वेंसी की लाइट जा ये साउंड जाती है। हाँ चलाओ चलाओ, जितने का मर्जी हो, कहीं का भी चलाओ, कोई भी रैंडमली कुछ भी चला दो। ये 796 हर्ज लिखा है यहाँ पे, ये जो साउंड आ रही है इसमें 796 हर्ज की सबसे ज़्यादा भागीदारी है और थोड़ी बहुत अगल बगल की है। तो इसको आप कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक शब्द तो लाइट के लिए आता है लेकिन वैसा ही ये मोनोक्रोमेटिक साउंड है, ये सिंगल वेवलेंथ, नॉट एग्जैक्टली सिंगल बट दैट 796 इज़ वेरी प्रोमिनेंट और उसके बाद वाले सब काफ़ी कम के हैं। और कुछ दो चार सुना दो। टू पॉइंट एट वन फोर किलो हर्ज, वो फ्रीक्वेंसी है ये। तो ये सब मुख्य रूप से वो के एक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप हैं, वो क्लोज टू दैट, राइट। तो एक एक फ्रीक्वेंसी की एक एक साउंड आ रही है, लेकिन जो गाय भां करती है या भैंस भां करती है बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बताया था? नेक्स्ट लेजर क्रॉस। अच्छा ओके, अब देखिए, अब तो ये हो गया, हमने इक्वेशंस वगैरह किए और इस पर बात किया। अब वेव्स की बड़ी खास खास प्रॉपर्टीज होती हैं, पार्टिकल्स और वेव्स ऐसा बोलते हैं ना, तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज और वेव की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ बड़ी अच्छी हैं जो कि एक दूसरे से एकदम एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करती हैं, राइट। हम लोग जब कैरम खेलते तो हमारा वो जो कॉइन है गोटी जो है वो कहीं पर रखी होती है और फिर हम उसको स्ट्राइकर से मार करके और उसको वहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अगर आप सीधा हेड ऑन कोलिजन कराइए तो आपका वो जो छेद है उस लाइन पे आप स्ट्राइकर नहीं रख सकते, होता है ना। अगर आपका जो स्ट्राइकर है, ये मान लीजिए आपकी वो स्ट्राइकर रखने वाली लाइन है और यहाँ पर छेद है, यहाँ कहीं पर छेद है, है? और यहाँ कहीं पर छेद है और कॉइन जो है वो यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर कॉइन है, मान लो यहाँ कहीं पर कॉइन है। अब ये जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, आपका स्ट्राइकर लाइन इतनी ही दूर गए। आप यहाँ से स्ट्राइक करोगे हेड ऑन तो ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ से स्ट्राइक करोगे हेड ऑन तो ऐसे चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ओके, तो हम लोग स्ट्राइकर यहाँ रखते हैं और किनारे पे हिट करते हैं, तो ये स्ट्राइकर महोदय कुछ ऐसे घूम जाते हैं और ये महोदय कुछ ऐसे चले जाते हैं। तो जो मटेरियल पदार्थ होते हैं
वो अगर चलने मोशन में हों और आपस में टक्कर करें तो टक्कर करने से उनकी जो दिशाएं हैं चलने की वो बदल जाती हैं, राइट। जब वो आता है उधर हॉकी का बॉल आता है तो लगाया उसने स्टिक और डिफ्लेक्ट करके वो गोल पोस्ट के अंदर में घुसा दिया उसको, है ना। तो जब मटेरियल पदार्थ टक्कर करते हैं तो उनकी दिशाएं बदल जाया करती हैं। अब देखिए हम वेव्स को टक्कर कराएंगे, अभी दो वेव्स को हम टक्कर कराएंगे। अब ये उसको और नज़दीक कर दो ना, बगल बगल में करा दो, एक को इस पर्दे पे एक को उस पर्दे पे। हाँ, अब ऐसा है कि पहले आप इस पर ये जो दो हैं इनको आप मर्ज कराओ। हाँ, बस 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 एकदम मर्ज कराओ बढ़िया से। इस पर क्या किया हमने, आपने शायद नहीं देखा, इस पर दोनों जो स्पॉट बन रहे थे उसको मर्ज करा दिया है। यानी कि अब जो है दोनों जो लाइट की वेव जा रही हैं एक दूसरे को टक्कर मार रही हैं। वहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, और ध्यान देना हम एक लाइट को बंद करने वाले हैं, इसको बंद करने वाले हैं, दूसरे पर ध्यान देना। जहाँ था वही है कि खिसका, ये बिना टक्कर के जा रही है। अभी एक को मैंने बंद किया हुआ है, एक पर मैंने हाथ लगाया हुआ है, देखिए दूसरा वाला दिख ही नहीं रहा है, और जो दिख रहा है उसको आप देखते रहिएगा, मैं अपना हाथ हटाऊंगा। ये देखिए मैंने अपना हाथ हटाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब देखो इसको बंद करने वाले हैं हम, और जो इसकी लाइट जा रही है उसको देखिएगा, देखिए दिख रही है कहां पर है, देखते रहिएगा। मैं इसका हाथ हटा लूंगा अपना, तो अब टक्कर होने लगेगी, कोई फर्क पड़ा नहीं। तरंगे जब एक दूसरे को टक्कर करती हैं तो एक दूसरे से बिना प्रभावित हुए उसके अंदर से निकल करके, तरंग के अंदर से तरंग निकल करके जहां पहले जा रही थी वहीं पहुंच जाती हैं। ओके।